हाय गाइस कैसे हैं आप सब लोग रक्षाबंधन कैसी गई आप सब लोग की कमेंट में ज़रूर बताना मेरे तो हस्बैंड एक्चुअली बीमार हैं डेंगू हो रखा है उनको और प्लेटलेट बहुत ज़्यादा लो चली गई थी तो एडमिट कराना पड़ा कल ही एडमिट कराया है होपफुली आज से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग गाइस प्लीज़ मच्छरों से बच के रहो और जो भी डेंगू और मलेरिया और ये सब अलग अलग चीज़ें जो फैली हुई है प्लीज़ अपने आप को इससे बचा के रखो और कल मैंने रोस्ट किया था एक नमूनी को एक छिपकली को बड़ी सी छिपकली हाँ दस किलो की छिपकली उसको मैंने रोस्ट किया था तो भाई उसका कहना यह है कि वो पिका कम्युनिटी चला रही है पिका कम्युनिटी जो है वो उनके लिए ही है जो जो क्ले वर्ल्ड से रिलेटेड है जो मतलब उसके उससे ताल्लुक़ रखते हैं और जो लोग ये सब खाते हैं ठीक है और उसका कहना ये भी है कि बहुत सारे लोग खाते भी नहीं है ये कुछ लोग खाते हैं बहुत सारे लोग तो खाते ही नहीं है ऐसा वो कह रही है फिर से ये चीज़ है उसकी कि ये नॉर्मलाइज कर रही है अभी तो फिर ठीक है उसने है ना डर के मारे जो वीडियो है ना उसका जो उसने बहुत धार एकदम क्या कहते हैं उसके अंदर कोई आत्मा आ गई थी कि वो शेरनी बने और शेरनी बन के उसने वीडियो तो बना दी पर वो वीडियो को ज़्यादा देर तक अपने चैनल पर रख नहीं पाई और उसने कर दिया है प्राइवेट भाई तेरे में इतना दम है तो प्राइवेट क्यों कर रखा है उसको पब्लिक कर पब्लिक कर दे ते ताकि तेरा जो ये है भूत नहीं हो जैसे सोच जो है तेरी वो सारे लोग देखें है ना ऐसा मुंह छुपा छुपा के तो तू वीडियो बनाती है तेरे में इतने भी गट्स नहीं है कि तू अपना फेस दिखा के वीडियो बना सके क्योंकि क्या है ना इसके घर वालों को पता नहीं है कि क्या असला वारूद क्या क्या खा रही है अच्छा अगर चलो पता हो भी पता हो भी तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके घर वाले उसको कुछ बोलेंगे क्योंकि ये जो क्रंचर्स के जो घर वाले होते हैं ना बहुत लोग बहुत मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समझाते हैं और पर इनको समझाने का मतलब ही क्या है ये तो है जड़ बुद्धि सारे के सारे इनका है माथा फिरा हुआ और इनको किसी की बात समझ में आती नहीं है पहली बात तो हर कोई अपना माथा थोड़ी मारता रहेगा इनको समझाने के लिए और इसके वीडियो में टाइटल्स देखो भाई राइस कर्ड पनीर तवा है फिर अलग अलग टाइप की थालियाँ ये लगा देगी जो थंबनेल होते हैं ना इसके थंबनेल में भी ये आधा फोटो अपना खाली इतना पोर्शन रखती है इतना और बाकी सब पोर्शन में आधे में फ़ोटो लगाती है खाने खाने की आइटम की अच्छा चल तेरे में इतने ही गट्स है तो पहले तो तू तो वीडियो जो है अपनी प्राइवेट से हटा उसको पब्लिक कर और फिर बाद में जो तूने टाइटल्स डाले हुए हैं ना अपने वीडियो के नीचे जो टाइटल लिख है तू कर्ड राइस और ये क्या लेमन राइस और जीरा राइस चमकादड़ राइस गीदड़ राइस क्या क्या लिखती रहती है उसको है ना रिमूव कर और सही मायने में लिख कि तू उसके अंदर क्या खा रही है मुल्तानी मिट्टी ईटिंग स्लेट पेंसिल ईटिंग ये सारी चीज़ें लिख तो तेरे को ना यूट्यूब बहुत अच्छा वाला मजा चखाएगा बहुत अच्छा वाला है ना क्योंकि झूठे झूठे टाइटल्स तो लिख रही है झूठी झूठी थमनेल लगा रही है है ना थमनेल सॉरी थमनेल नहीं वो जो स्टिकर है ना स्टिकर लगा रही है झूठे झूठे भला हो उस अवेयरनेस वाली का जिसने तेरा चैनल और तेरा फोटो लगाया वैसे तेरी क्या बोलते हैं बड़ी सी छिपकली जैसा जो तेरा मुंह है ना उसको तो कोई लगाना भी नहीं चाहेगा ना कोई देखना चाहेगा पहली बात तो ये है ना मेरा एक्चुअली ये स्टाइल है नहीं मेरे को रोस्टिंग रोस्टिंग करना आता है नहीं मैं सीख रही हूँ और मुझे बताना कमेंट्स में कि मैं रोस्टिंग करूँ या नहीं करूँ क्योंकि मैं साइंटिफिक टर्म्स में बात करना ज़्यादा मेरे को प्रीफर मैं करती हूँ और जो एजुकेशनल वीडियोस होती है मैं वो बनाना ज्यादा प्रीफर करती हूँ लेकिन ये जो नमूनी है ना जिसने हम लोगों को चैलेंज किया इसने मुझे उकसाया कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ इसने मुझे उकसाया मतलब मैं अवेयरनेस करती हूँ और मुझे ये लगता है कि ऐसे जो चमकादड़े होती हैं ना जो बहुत उछड़ के फफड़ फफड़ के एकदम वीडियोस क्रिएट करती हैं कि हमारे खिलाफ़ कि तुम लोग गलत कर रहे हो कि तुम लोग रिपोर्टिंग सिखा रहे हो अरे भाई रिपोर्टिंग सिखा रहे हैं तो सिखा रहे हैं तू क्या सिखा रही है लोगों को कि पत्थर कैसे खाएं ये सिखा रही है ऊपर से तू कहती है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल ना हो शर्म नहीं आती तेरे बच्चे नहीं है क्या नहीं है क्या तेरे घर में बच्चे नहीं हैं जब कोविड चल रहा था तब सब बच्चों को घर में बिठा दिया था ऑनलाइन स्टडीज़ होती थी सारे बच्चों की और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब में आके एजुकेशनल वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं बच्चे दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं कोई सिंगिंग कर रहा है कोई अपनी पेंटिंग कर रहा है कोई खाना वाना बना रहा है एक लड़का मैंने देखा था टर्बन सर में जो पगड़ी होती है ना वो बन के वो बनाता है उसका नाम मुझे इतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी एकदम मेरा ऑफिस का काम खत्म हो गया और मैं तब वीडियो बना रही हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो सब देखने बैठूँ लेकिन आप लोगों ने सबने देखा ही होगा उस क्रिएटर को तो ऐसी सब चीज़ें हैं और ये पागल जो है भूत पिशाजनी ये लोगों को बोल रही है कि तुम लोग रिपोर्ट क्यों कर रहे हो इसका बड़ा एटीके का चैनल है बड़ी इसको चर्बी चढ़ी हुई है या तो हो सकता है इसका फेमस होने के टैक्टिक्स हो है ना और मैंने ना केशवरी के वीडियो में भी कमेंट देखे थे केशवरी के वीडियो में तो मतलब क्या कमेंट थे एक का नाम है कुछ क्या नाम है आसमान खान कुछ ऐसा नाम है उसका दूसरे का नाम है हज़ार्ड करके तो ये लोग पता है बेसिकली उसको क्या कमेंट करते हैं केशवरी को चीटिंग कर रही है चीटिंग चीटिंग कर रही है अब मैं तेरे तू पता नहीं कुछ कह रहा था कि ढंग से खा या फिर वो बोल रहा होगा कि मुल्तानी जो भी तू खा रही है स्लेट आइटम जो बारूद वारूद खा रही है उसको पूरा निकल नहीं तो चीटिंग करेगी ना तो तेरे पर रिपोर्टिंग कर दूंगा ऐसे ऐसा था इन लोगों का कहना ऐसे ऐसे तो तुम्हारे सब्सक्राइबर है तुम क्या अपने सब्सक्राइबर के ऊपर ज्यादा इतराते रहते हो सारे के सारे इनको ना क्रंचर्स को अपने सब्सक्राइबर के ऊपर बड़ा घमंड है और इनके सब्सक्राइबर एक से एक ना है एक से एक ना कोई भी ढंका नहीं मेरे को बता दो जो कोई ढंका हो है ना नहीं इनके घर वाले सारे ढंके प्रीतम मिट्टी मुल्तानी भाई बहुत ज्यादा उछल रही है जब से उसके एक लाख के पार हुए ना अभी बढ़ रहे हैं उसके धीरे धीरे हो सकता है उसने कुछ पैकेज लिया हो डिजिटल मार्केटिंग वालों से कुछ ना कुछ उसने पैकेज कराया हो क्योंकि जो उसकी हरकतें हैं नॉर्मल हरकतें है मुझे लगती नहीं है एकदम पागल सी मुझे वो लगती है कि हर चीज़ में बताती है डांस कर करके इतरा इतरा के, के शॉर्ट्स में आती है शॉर्ट्स में ही आती है लॉन्ग वीडियो में तो मैंने उसे मेरे को मैंने देखा ही नहीं उससे कि वो कुछ करंच व्रंच करती होगी अलग अलग पैकेट दिखाएगी कि देखो जी मैंने ये ऑर्डर किया मैंने ये ऑर्डर किया वो ऑर्डर किया और ऊपर से बताती है मेरे हस्बैंड को नहीं पता इतना लोगों को इसने पागल बना रखा है अपने पीछे और जो लोग हैं ना पता नहीं मेरे को समझ नहीं आती जो लोग इसको सब्सक्राइब करके बैठे हैं वो क्या देख के सब्सक्राइब करके बैठे हैं मुझे तो यही बात समझ नहीं आती ऐसी जो औरतें होती ना यूट्यूब पे इन लोगों ने जो हेल्थ आ, जो हेल्थ जो इश्यूज़ हैं सबके उसको है ना पूरा मज़ाक बना के सम रखा हुआ है यूट्यूब में सारा का सारा तुमने ना हेल्थ प्रॉब्लम्स को मजाक बना के रखा हुआ है तुम लोग जाके देखो हॉस्पिटल में कितनी लाइन लग रही है डेंगू हो रखा है लोगों को मलेरिया हो रखा है वहाँ पर बेड की कमी हो रही है और तुम जो एकदम जाहिल गवार दुष्ट नलायक हड़ड हर हराम टाइप के जो लोग हैं ना वो ये ईटिंग डिसऑर्डर को इतना बढ़ावा देते हैं अपनी बॉडी का इतना सत्यानाश करते हैं कि जैसे ही तुम लोगों को तुम लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डाउन चली जाएगी इतनी ज़्यादा डाउन चली जाएगी एक इन्फेक्शन हुआ नहीं तुम्हारे खाने के वांदे हो जाएंगे एक चीज़ नहीं खा पाओगे इनफैक्ट पानी भी नहीं पी पाओगे पानी भी नहीं बचेगा अगर एक बार किसी को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना तो वो बंदा सबको अलग अलग होती किसी को गैस होती किसी को लूज मोशन हो जाता किसी को पचता ही नहीं है पानी भी नहीं बचता इतनी बड़ी बड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जब आपका जो पेट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इंटस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब तो और ज़्यादा दुर्गति हो जाती है कैसे कैसे इंटेस्टाइन को काट के फिर उसका एक डैमेज वाला पार्ट निकालते हैं डॉक्टर्स फिर उसको हमारे पेट के एक्सटर्नल वाले हिस्से से वो चीज़ निकाली जाती है इंटेस्टाइन फिर एक होता है परमानेंट वाला स्टोमा सर्जरी एक होता है टेम्पररी वाला स्टोमा सर्जरी स्टोमा सर्जरी नहीं को, मैं वर्ड यहाँ पे टाइप कर दूंगी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था पर मुझे याद नहीं आ रहा अभी पर उसमें क्या होता है कि जो इंटस्टाइन जहाँ से डैमेज होता है ना उतना पार्ट ये डॉक्टर्स जो हैं उसको ट्रैक करके निकाल देते हैं और वो पेट के बाहर से आता है वो जो इंटस्टाइन होती है मैं स्क्रीन में लगा दूंगी मैं क्या कह रही हूँ तो वो इस हिसाब से काम करता है ये पेट की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को और ये क्रंचर्स क्या सिखा रहे हैं कि हम तो ये खाते हैं हम तो ये खाते हैं केशवरी तो पूरी की पूरी ना मुझे एकदम लगती है कि बीमारियों का घर है पूरा का पूरा बीमारियों का घर है वो इन लोगों को गाइस इतना रिपोर्टिंग भर के करो इतना रिपोर्टिंग भर के करो कि इन लोगों को ना समझ में आ जाए कि ऐसी वीडियोस बनानी कैसे हम कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे हैं हम समाज से ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं ना उसको हम हटाने का काम कर रहे हैं ये कोई वायलेशन नहीं है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का ना ही है कोई क्राइम है जो तुम लोग फैला रहे हो ईटिंग डिसऑर्डर ये क्राइम है ये क्राइम है मैंने तो कम्युनिटी में लगाया भी था कि कौन सा सेक्शन लागू होता है है ना केस करने वाली चिपकली जा कर दे आप केस हो गया तेरा केस हो गया कर दिया तूने ऐसे जूते मार के भगाएंगे ना तेरे को समझ में आ जाएगी पोषण अभियान और अनिमिया मुक्त भारत और जितना भी लोग ये गवर्नमेंट जितना भी कर रही है टीबी के लिए भी इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि टीबी मुक्त भारत बनाना है तो तुमने हेल्थ को क्या मजाक में समझा हुआ है जाहिलों ने दुष्ट पापी प्रीतम के ऊपर मेरे को लगता नहीं है कि जम के रिपोर्टिंग हो रही है गाइस प्रीतम के ऊपर बहुत ज़्यादा जम के रिपोर्टिंग होनी चाहिए प्रीतम फिर बाद में और कितने सारे आ गए जितने भी क्रंचर्स आप लोगों को पसंद पता है जितने भी क्रंचर्स का नाम आप लोगों को पता है जो दिन में चार पांच बार तीन बार वीडियोस कर, डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे उन सबको भर भर के रिपोर्टिंग करो ठीक है और चार पाँच पाँच छः पकड़ लो पाँच छः क्रंचर्स को पकड़ लो और सबको डेली डेली रिपोर्टिंग करो देखो मेरे मैं, मैं अभी ऑफिस से फ्री हूं हूँ इस टाइम पे और अभी वीडियो बनाने बैठी हूँ उससे पहले मैं पूरी अपनी रिपोर्टिंग करने के बाद में ही ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ मैं मेरे को दस मिनट लगती है रिपोर्टिंग करने में बस एक देखो सोलह रिपोर्टिंग होती है एक टाइम भी ठीक है एक टाइम पर होती है सोलह रिपोर्टिंग और अगर आपने अभी छः बजे छः बजे सोलह रिपोर्ट कर दी ठीक है तो आप एक दो घंटे वेट करोगे ना तब वापस से आपके पास कोटा आ जाएगा रिपोर्टिंग का तो आप वापिस से रिपोर्ट कर सकते हो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर में ही सोलह कोटा होता है पूरे दिन भर में सोलह हो जाए और ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं होता अभी जैसे कि अभी साढ़े छः बज रहे हैं ठीक है तो मैंने इसको रिपोर्ट बहुत सारे जो क्रंचर्स हैं उन सबको मैंने रैंडमली रिपोर्ट कर दिया है और अभी मैं वीडियो क्रिएट करने बैठी हूँ ठीक है और Uh, अभी मैं आठ बजे देखूंगी सात बजे देखूंगी ना वापस से मेरे मोबाइल में कोटा आ जाएगा रिपोर्टिंग करने का तो आप मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सारे के सारे अपने कामकाज छोड़ दो और डेडिकेटेडली ये सब करो मैं ऐसा नहीं कह रही लेकिन एटलीस्ट जितना फ्री टाइम आपको मिलता है प्लीज़ ये रिपोर्टिंग करना बंद मत करो यूट्यूब के डेली मेल्स आते हैं कि एक 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 वीडियो रिमूव हो रही है डेली मेल्स आते हैं इन लोगों के और अगर कभी आपको मेल नहीं आया तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो इसका मतलब यही है कि हम लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे इसका यही मतलब है ठीक है बाय का इस वीडियो बहुत लंबी हो रही है इंजॉय कीजिए इवनिंग बाय